हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे छोटा सा आरपीएम मीटर। तो गाइस, एक्चुअली ये वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, तो मैं आपको आगे बताता हूँ किस टाइप से इसका सेकंड पार्ट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं आपको वायरिंग का बताऊंगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में नहीं बताऊंगा, तो वो आपको जो है इसी वीडियो से पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी छोटी सी जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये मीटर आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। छोटा सा ये आरपीएम मीटर है जो कि 13,000 आरपीएम तक बताता है। और इसका अगर वायरिंग का देखें तो इसमें टोटल जो है 5 वायर्स हैं। तो ये 5 वायर्स का जो मैं आपको कलर है उसका बता देता हूँ क्या क्या उसका काम है, कहाँ पर जो है इसका कनेक्शन होगा। तो अगर सबसे पहले ये जो दो आपको वायर दिखा दे रही है, ये रेड और ब्लैक कलर की, जिसमें जो लाइट चलती है ब्लू कलर की जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, ये उसकी है। और उसके बाद जो तीनों ये वाली वायर जो है जिसमें कि थिम्बल अटैच है, ये आपकी जो है आरपीएम मीटर जो है पूरा इसी से काम करता है। ये जो दो वायर हैं, जो ग्रीन कलर की वायर है इसमें, ये नेगेटिव की है। इसमें जो ब्लैक कलर की वायर है, जो सेकंड दूसरी मैं बता रहा हूँ जो आरपीएम मीटर के बीच से आई हुई है तीन वायर, तो जो ये ब्लैक कलर की वायर है ये पॉजिटिव की है। और साथ ही में आप ये जो देख रहे हो ये आरपीएम मीटर की है, ये येलो और बीच में जो है ब्लैक की पट्टी। तो क्या ये वाली वायर जो है अपनी की जो इग्निशन कॉइल होती है बाइक की, उसका जो पॉजिटिव का पार्ट होता है उसमें लगती है। तो ये मैं आपको कनेक्शन आगे भी बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले इसको जो है फिट करते हैं अपनी बाइक में। तो इसको फिट करने के लिए मैंने कुछ इस टाइप की ये जो स्ट्रिप है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही में इसके जो है नट बोल्ट भी एक आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये कुछ इस टाइप से लग जाएगा। और उसके बाद सेम इसी को जो है हम यहाँ पर फिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो 8 नंबर का यहाँ पर एक नट रहता है, तो इसको खोल के यहाँ पर मैं पत्ती को ऐसे फिक्स कर दूंगा। और उसके बाद इसको जो है मीटर को भी यहाँ पर जो है अच्छे से फिक्स कर दूंगा। तो गैस ये जो है कुछ इस टाइप से आपको बना लेना है। और आप देखते हैं अच्छे से अभी यहाँ पर फिट हो चुका है। तो गाइस अभी इसका जो है कनेक्शन करना बाकी है। तो सबसे पहले मैं इसका जो वाइजर है उसको खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका जो है कनेक्शन बताता हूँ कि पांचों वायर्स का जो कनेक्शन है वो आपको कहाँ करना है। तो गाइस सबसे पहले हम जो है ग्राउंड का इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसकी जो ग्रीन कलर की वायर है और जो लाइट वाली वायर है उसमें जो ब्लैक कलर की वायर है, ये दोनों जो है ग्राउंड में जाएगी। तो आप देखते हैं यहाँ पर मैंने इसको जो है ग्राउंड कर दिया ये वाली जो रेड कलर की वायर से। ये एक्चुअली ये मैंने बॉडी से इसके में जो है यहाँ पर इसको अटैच किया हुआ है, तो ये इसको जो है मैंने ग्राउंड कर दिया। तो गाइस अभी जो लाइट की जो दूसरी वायर है जो कि रेड कलर की है, ये जो है अगर आपकी जो हेडलाइट है वो उसका कनेक्शन अगर डीसी पे है, मतलब वो बैटरी पे है, तभी आपको जो है वो हेडलाइट के साथ आप उसको अटैच कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये इसको जो है डायरेक्ट जो इग्निशन से ही लगाना पड़ेगा, जो ब्लैक कलर की वायर होती है स्प्लेंडर में, जिससे कि डायरेक्ट बैटरी ऑन करने पे चाबी जो है करंट आता है उसमें आपको लगा सकते हो। लेकिन जो जो मेरी जो हेडलाइट है ये जो मैंने डीसी पे कर रखी है, इसको मैंने बैटरी पे इसका कनेक्शन कर रखा है, तो इसलिए मैं इसकी जो ब्राउन कलर की वायर होती है जो कि मीटर लाइट में भी जाती है और छोटा वाला जो पार्किंग बल्ब चलता है इसका उसमें भी जाती है, तो ब्राउन कलर की वायर के साथ इसको मैं जो है अटैच कर देता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पर जो है ब्राउन कलर की वायर का ऐसे थिम्बल को ऐसे खींचता हूँ और इसमें जो है ऐसे इसको लगा के और इसको जो है वापस ऐसे लगा देता हूँ। तो गाइस अभी जो है हम इसकी दूसरी वाली वायर का कनेक्शन करेंगे जो कि ब्लैक कलर की वायर है। तो गाइस इस वायर को पहले मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी छोटी है, तो इसको सबसे पहले मैंने एक्सटेंड कर लिया। तो आप देखते हैं यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की वायर से ही इसको एक्सटेंड किया है। और ये जो ब्लैक कलर की वायर है आपको वहाँ पर लगानी है जहाँ पर कि चाबी ऑन करने पर जो है डायरेक्ट 12 वोल्ट का करंट आता है। तो यहाँ पर जो है जितनी भी स्प्लेंडर प्लस में ब्लैक कलर की वायर होती है उसमें 12 वोल्ट का करंट आता है जब आप चाबी ऑन करते हो। चाहे तो आप जो है आपका जो हैंडल का जो ऑन ऑफ करने वाला जो लॉक होता है उसमें से भी ये वाली जो वायर है उसका कनेक्शन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरे को ब्लैक कलर की वायर डायरेक्ट यहाँ पर मिल गई है। तो जस्ट मैं यहाँ पर थिम्बल को ऐसे खींच के और यहाँ पर इसको लगा के और इसको वापस से ऐसे बंद कर देता हूँ। तो गाइस अभी बस इसका जो आरपीएम सिग्नल की जो वायर है जो कि येलो कलर की वायर बीच में ब्लैक की पट्टी है, इसका कनेक्शन करना बाकी है। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो ब्लैक कलर की वायर है ये इग्निशन कॉइल से आ रही है, तो इसके साथ मैं इसका जो है कनेक्शन करूँगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये जो ब्लैक कलर की वायर है ये इग्निशन कॉइल का जो पॉजिटिव का पार्ट है उससे आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपकी जैसे बाइक है उसमें जो इग्निशन कॉइल लगी होगी यहाँ पर, उसका जो एक जो वायर होगी वो नेगेटिव की होगी जो कि बेसिकली जो है ग्रीन कलर की रहती है। उसके बाद जो ऊपर वाली वायर है वो आप देखते हैं इसका जो कलर है वो ब्लैक और बीच में येलो की पट्टी है, तो इसको जस्ट मैं ऐसे निकाल लेता हूँ और यहाँ पर इसको वायर को मैं ऐसे लगा के उसको वापस ऐसे बंद कर देता हूँ। तो इस टाइप से यहाँ से आपको जो है ऐसे वायर खींच लेनी है। तो यहाँ पर मैं ये ब्लैक कलर की वायर के साथ इसको जो है अटैच करता हूं, उसके बाद मैं यहां पर जो है अच्छे से इसको जो है टेप वगैरह कर देता हूं। तो कैसे आप देखते हैं यहाँ पर मैंने सभी वायर्स को जो अलग अलग ऐसे टेप कर दिया। अभी इसको जो है एक साथ ऐसे जो है अटैच करके इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, तो इस टाइप से हमारा जो वायरिंग का थोड़ा झंझट है वो कम हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने अभी इसको फिट कर दिया। अभी इसके वाइजर वगैरह को मैं वापस से पैक कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको जो है चेक करके देखेंगे। तो चलिए गाइस अभी इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो आप देखते हैं काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है। अभी इसको लाइट को मैं बंद कर देता हूँ और आप देखते हैं यहाँ पर आरपीएम मीटर अच्छे से अभी काम कर रहा है।
इसकी जो थोड़ी सी मिसिंग है ये बाइक, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है मॉर्निंग में, तो इसलिए ये थोड़ी ठंडी बाइक है, तो इसलिए ये थोड़ा मिसिंग कर रही है। इस वजह से इसका आरपीएम जो मीटर है वो भी फ्लक्चुएशन ऐसे कर रहा है। थोड़ी सी बाइक चलेगी उसके बाद ये जो है सेट हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिखता है ये छोटा सा आरपीएम मीटर, तो आप भी अपनी बाइक में इसको जो है लगा सकते हो। तो अभी मैं आपको जो है थोड़ा सा इसका जो है लाइट का दिखा देता हूँ। तो लाइट आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट काफ़ी अच्छी दिखती है इसमें। तो गाइस अगर आपको ये आरपीएम मीटर परचेस करना रहेगा तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आकर इसको जो है परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि इसका जो मीटर है वो हम टोटल चेंज करेंगे। मतलब इसमें जो है दोनों जो है डिजिटल मीटर लगाएंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, मतलब स्पीडोमीटर भी और आरपीएम मीटर जो है राइट साइड में लगाएंगे, और फ्यूल मीटर का वो भी हम देखेंगे कहाँ पर इसको जो है सेट करना है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों का इसको शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।